नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गाजियाबाद में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, गोमाता के नाम पर लिंचिंग हिंदुत्व विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता का भी छेड़ा राग, कहा दोनों का डीएनए एक। भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान पर सियासत गर्म, मायावती बोली कथनी और करनी में बहुत अंतर है, मुंह में राम बगल में छुरी के मुहावरे का किया जिक्र, दिग्विजय ने भी कसा तह। कोविड 19 रोधी टीकाकरण के लिए भारत के प्रौद्योगिकी मंच कोविन दूसरे देशों को भी मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत महामारी से निपटने में अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार गर्जर लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के रजत जयंती कार्यक्रम में वर्चुअली किया संबोधित, बोले अयोध्या के बाद मथुरा क्यों, भाजपा पर लगाया देश को तोड़ने का आरोप। पिता रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन, आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत, चाचा के बगावती के बाद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे चिराग। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के एक साथ आने की अटकलें तेज, बोली शिवसेना भारत पाक नहीं, आमिर और किरण राव जैसा है हमारा रिश्ता। देवास जिले के नेमावर में पीड़ित परिवार से मिले कमलनाथ, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। भारत में 39,796 नए मामले सामने आए, 723 लोगों की हुई मौत, 42,352 लोग हुए रिकवर, संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 3,05,85,229, मृतकों का कुल आंकड़ा हुआ 4,02,728। जम्मू कश्मीर के डोडा में ग्रेनेड हमला, पुलिस लाइन के पास हुए हमले में एक व्यक्ति घायल। कानपुर के हरिहर धाम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश पूरी तरह सुरक्षित, हमारे सामने जो भी चुनौतियां आएगी उनका मुकाबला करने की पूरी क्षमता हमारी सेना में। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 54 नए केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की हुई मौत, मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर हुई 24,997। दिल्ली हवाई अड्डे पर 6 महीने में 600 करोड़ के हेरोइन जब्त, 20 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। देरी से दिल्ली पहुंचेगा मानसून, 15 साल सबसे देरी से पहुंचेगा मानसून, 10 जुलाई तक मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना, साल 2002 में दिल्ली में पहली मानसून बारिश 19 जुलाई को हुई थी। HDFC, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बढ़त से सोमवार को सेंसेक्स 395 अंक चढ़ा, सेंसेक्स 395.33 अंक की बढ़त के साथ 52,880 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 112 अंक की बढ़त। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में झटका, अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं अभिजीत। पूर्व क्रिकेट अनिल कुंबले के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भेंट, अमरावती में हुई राजनीति और क्रिकेट के दिग्गजों की मुलाकात। मुक्केबाज MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय ध्वजवाहक होंगे, समापन समारोह में 8 अगस्त को पहलवान बजरंग पुनिया उठाएंगे भारत का झंडा। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने कहा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह नहीं बना पाना कड़वा घूंट पीने की तरह, WTC फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड बना था विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से गायब अनुष्का शर्मा वापसी के लिए तैयार, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक में करेगी काम, फिल्म की शूटिंग आगामी महीनों में होगी शुरू। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह टीवी पर करने जा रहे हैं डेब्यू, कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले क्विज शो को करेंगे होस्ट, नाम है द बिग पिक्चर। यह थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।